तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुर्ते में कॉलर लगाना बताएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हमने आपको बताया है कुर्ते में कॉलर कैसे फिट किया जाता है, कुर्ते की कॉलर की स्टिचिंग यानी सिलाई कैसे की जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल। देखिए, ये हमारा कॉलर है, इसकी पेस्टिंग कर ली है हमने और ये हमारी बैंड पट्टी है जो कॉलर के नीचे से लगेगी यहाँ से इस तरीके से। हमारी बैंड पट्टी है ये, देखिए हमने इसका मार्जिन मोड़ लिया है। ये देखिए, यहाँ भी हमने एक पैर का छोड़ा है और यहाँ भी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पेस्टिंग कर लेनी है। तो हम बैंड पट्टी को सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पैर की सिलाई लगाएंगे। देख सकते हैं ये हमने सिलाई लगा ली इस पर। अब उसके बाद क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ से हम मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ से एक कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमको कट लगा लेना है। ये देखिए, वो हाफ सेंटर का हमने कट लगा लिया है, वो हम बाद में बताएंगे हमने ये कट क्यों लगाया है। उसके बाद इस तरीके से कॉलर को रखेंगे। अब आपको ये देख लेना है, कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ से इधर भी और यहाँ भी, इस कॉलर के हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो ये कॉलर में जो मार्जिन दिख, ये जो कॉलर में आपको मार्जिन दिख रहा है, इससे कम कपड़ा ना हो, ये इस साइड में भी और इस साइड में भी और ऊपर भी आप चेक कर लें। उसके बाद ये देखिए, जो ये पेस्टिंग है, यहाँ पर पेस्टिंग से मिलाकर सिलाई चलाते हुए लाना है इस तरीके से और यहाँ तक इस तरीके से घुमाते हुए ले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो पेस्टिंग के ऊपर भी सिलाई नहीं चलना चाहिए, थोड़ी सी हटाकर चलानी है, ठीक है, बिल्कुल मिलाकर नहीं चलानी है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे दोस्तों। तो जब इस कोने से, पेस्टिंग के कोने से एक टांका पहले हमको एक धागा लेना होगा इस तरीके से। ये देखिए, दोनों कोनों पर यही सिस्टम करना होगा और हम इस तरीके से धागा लगाएंगे, वो आपको बताता हूँ किस तरीके से लगाना है। पहले सिलाई शुरू करते हैं। एक टांका पहले हमको इस तरीके से, ये जो कपड़ा दिख रहा है ये देखिए, ये डबल कपड़ा है, तो इस कपड़े के बीच में हमको एक धागा लगाना होगा इस तरीके से। और इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, सुई से टकराना चाहिए। अब देखिए, हमने इस तरीके से धागा को इस अंदर कर दिया है, इधर से भी कपड़े के अंदर है, इधर से भी कपड़े के नीचे। अब उसके बाद हम एक टांका चलाएंगे, सिर्फ एक टांका लेंगे इस तरीके से। हमने एक टांका ले लिया है, ये देखें, ये देखिए अब ये सुई में फंस चुका है धागा इस टाइम। तो अब इन दोनों सिरों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से। और हम कॉलर को अब इस तरीके से उठाएंगे, ये देखिए, और कॉलर को उठा के इसको हम बिल्कुल साइड से कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमने मिला दिया है साइड से। ये हम बाद में बताएंगे हमने क्यों डाले हैं धागे। उसके बाद अब ये सुई को हम नीचे रहने देंगे, इस तरीके से कॉलर को पकड़ेंगे इस तरीके से और कॉलर को सीधा रखेंगे, आड़ा तिरछा नहीं होने देना, और सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। जो पेस्टिंग का कोना है उससे एक टांका पहले, फिर हमें क्या करना होगा, ये धागा लेंगे इस तरीके से और ये कपड़ों के बीच में, इन दोनों कपड़े के बीच में डालना है इस तरीके से। ये देखिए, आप इस तरीके से कर देंगे, देखिए इस तरीके से घुमा करके ले आएंगे और सुई को चलाएंगे, एक टांका लेंगे सिर्फ इस तरीके से। ये देखिए, अब एक टांका लेने के बाद अब इन दोनों सिरों को पकड़ेंगे हम यहाँ से। ये देखिए, सुई में फंस चुका है। अब उसके बाद ये देखिए, इसके बाद कॉलर को उठाएँगे हम और यहाँ इधर इस साइड में कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, उसके बाद हमें घुमा कर सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, हमें यहाँ से इसको इस तरीके से मार्जिन कट कर लेना है इसका। ये देखिए इस तरीके से, ये पैर का छोड़ करके इस तरीके से हमको कट करते हुए जाना है दोस्तों। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कुर्ता पैजामे की कटिंग स्टिचिंग के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। ये देखिए, कट लगा लेनी है सिलाई से, थोड़ी हटाकर सिलाई का टाँका नहीं कटना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, अब हम इस तरीके से पलटेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। अब हमने धागा क्यों डाला था, अब आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये धागा डाला था, अब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखिए, तो इसकी नोक कितनी बेहतरीन तरीके से निकल कर आई है। तो आप भी इस तरीके से धागा डालकर इसकी नोक सही तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, दूसरी साइड में आते हैं। ये देखिए जैसा कि धागा देख सकते हैं इस तरीके से, धागा जब खींचेंगे आप पकड़कर, तो ये देखिए नोक बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो नोक निकल कर आ जाएगी इसकी। तो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, नोक सही से नहीं निकल पाती है। तो यही तरीका है नोक निकालने का। उसके बाद एक सिरा पकड़ेंगे और धागा निकाल कर फेंक देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये देखिए इस कपड़े को अस्तर वाले पर नाखून लगाएंगे इस तरीके से। अगर आप चाहें तो प्रेस की मदद से कर सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरीके से, जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है इस कपड़े को खींच कर रखेंगे नीचे को इस तरीके से, और ये नाखून मारेंगे और उसके बाद पलट देंगे। अब क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैर की सिलाई लगानी है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर हमें घुमाते हुए सिलाई ले आना है, देख सकते हैं आप। अब ये देखिए, नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल भी इधर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल खींच कर रखेंगे आप इस तरीके से, बाहर की साइड नहीं दिखनी चाहिए।
अब ये देखिए यहाँ पर हम ये पेस्टिंग, ये देखिए पेस्टिंग दिख रही है आपको, इस पेस्टिंग के किनार पर सिलाई लगाते हुए ले आना है और इस कपड़े को खींच कर रखना है, नीचे वाले कपड़े को, इस वाले कपड़े को खींच कर रखना है। ये देखें इसके, देखें अब उसके बराबर से हमें इस कपड़े को कट कर लेना है यहाँ से इस तरीके। ये देखें दोस्तों, कट करने के बाद इसके बाद हमें इस तरीके से इसको हाफ करना है इसको, और इस पर हमें एक कट लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से, ये बैंड पट्टी है, इसको हम रख कर देखेंगे। तो इसको रखने के बाद यहाँ से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एक या दो सूट ज़्यादा होना चाहिए, इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए हम रख कर चेक कर लेंगे एक बार। अब ये देखिए यहाँ पर रखने के बाद इस तरीके से रखेंगे, जो क्रॉस इस कॉलर में दिया गया उसी क्रॉस के हिसाब से इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कॉलर को हम सीधा रखेंगे, ये पेस्टिंग वाली साइड है जो ऊपर रहेगी, और ये जो कपड़ा जो लगाया नीचे से ये नीचे रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको इसको इस तरीके से रखना है और ये कट मिलाएंगे। ये देखिए हमने सेंटर कट लगाए थे, इनको मिला लेना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से पकड़, अब देखिए यहाँ से कसकर पकड़ेंगे, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो पकड़ते ना। अब यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए ले आएंगे इस तरीके से। अब अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं, आपको ये तीनों आइटम एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो आप पहले इसको रोक लीजिए एक सिलाई लगा कर, उसके बाद आप अस्तर को ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पर मैं आपको एक ही बार में ये सिलाई लगा कर दिखाऊँगी। देखिए मैंने इसको पकड़ लिया है कॉलर को, और इस तरीके से ये देखिए अस्तर को भी एक साथ लेकर चलूँगा। अब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे दोस्तों। ये देखिए घुमा कर नहीं लानी है हमें, यहाँ से ले, यहाँ से पक्का करके एंड तक ले जाना है सिलाई। ये देखें इस तरीके से, अब एक बार चेक कर लें। ये देखिए ये कट इसके बराबर होने चाहिए दोनों। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने फिट कर दिया, ये हमारा अस्तर भी फिट हो गया है इसमें, और ये हमारा बैंड पट्टी कॉलर तीनों आइटम एक साथ फिट हो गए। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखें। ये देखिए तो इसको हम पलटेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, बैंड पट्टी को पकड़ेंगे और ये जो नीचे वाला अस्तर है इसको हम पकड़ेंगे इस तरीके से। ये देखें, और ये देखिए इस तरीके से पलट कर, या आप उल्टी साइड से भी देख सकते हैं। ये देखिए ये उल्टी साइड हो गई और ये सीधी साइड। तो अब क्या करना होगा, ये देखिए ये कपड़ा है, इस पर हम नाखून मार लेना है इस तरीके से। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही आप भी बहुत आसानी के साथ ये कॉलर फिट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, उसके बाद क्या करना होगा हमें, ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की इस वीडियो। अब ये देखिए कपड़े को बिल्कुल खींच कर रखेंगे दोस्तों। अब हम चौक से निशान लगाएंगे इस तरीके से इस पर। ये देखें जैसा कॉलर में हमारा शेप है उसी तरीके से हम, ये देखिए कपड़े को खींच कर रखना है, बिल्कुल ढीला नहीं रहना चाहिए। यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से, और ये देखिए इस तरीके से आप निशान लगाते हुए जाएंगे। ये देखें यहाँ से भी आप बिल्कुल ढीला, कपड़ा बिल्कुल ढीला नहीं रहना चाहिए, थोड़ा खींच कर रखना है आपको। ये आप देख सकते हैं जैसे कि आप, ये देखिए ये मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब इसी मार्क के हिसाब से हमको हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर कटिंग कर लेनी है इसकी। ये देखें इस तरीके, यानी आधा इंच बढ़ाकर हमें कटिंग करनी है, इसका मार्जिन एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया जैसा कि देख सकते हैं आप। उसके बाद ये देखिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए ये कॉलर को मिलाएंगे, कॉलर की नोक मिलाएंगे यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ से बराबर रखेंगे। यहाँ से बराबर करने के बाद ये देखिए यहाँ से हमको एक कट लगा लेना है। उसके बाद ये देखिए कुर्ता है हमारा, कुर्ते को भी एक बार चेक कर लेंगे। मैंने इसके बाजू फिट नहीं किए हैं अभी, तो मैं आपको पहले कॉलर लगा कर दिखा रहा हूँ। तो इसको आप एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये छोटा बड़ा तो नहीं है, प्लॉकेट पट्टी है ये, काज वाली पट्टी, यहाँ से यहाँ तक ये देख लेंगे एक इस तरीके से। ये देखिए बराबर है यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए इसको पकड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, ये कंधी वाली सिलाई मिलाएंगे, और यहाँ भी आप कट लगा लेंगे हाफ सेंटर का एक। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कॉलर को रखेंगे इस तरीके से हम। अब ये देखिए हम इस तरीके से यहाँ से बराबर रखेंगे इस तरीके से। अब हम इसको नाप कर देखेंगे, हमने ये हाफ सेंटर कट लगाया है, इसको यहाँ से रख कर देखेंगे हमारा हालत छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। तो देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद अब हमने इसको चेक कर लिया है, अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, अब हम कुर्ते को सीधा रखेंगे। ये देखिए कुर्ता सीधा है हमारा, जिसको हम बटन टेक बोलते हैं, बटन वाली पट्टी है ये, बटन टेक की उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो कुर्ते को सीधा रखना है, उसके बाद कॉलर को हमें इस तरीके से रख लेना है दोस्तों। ये जो बैंड पट्टी का जो अस्तर है, इस अस्तर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की ओर। ये देखिए जो थोड़ा सा बाहर को रखेंगे, तकरीबन दो सूत बाहर को रखेंगे इस तरीके से। हम चार पांच नाके लगाकर इसको रोक देते हैं, एक पैर की सिलाई लगा देते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से रोक सकते हैं इसको पहले। ये देखिए अब इस तरीके से कॉलर का ये वाली साइड पकड़ेंगे, ठीक है।
अब ये देखिए, अब हम कुर्ते की काज वाली पट्टी देखेंगे। ये हमारी कुर्ते की काज वाली पट्टी है, तो ये सीधी साइड है पट्टी की और ये नीचे उल्टी साइड है, तो यहाँ से भी हमको इस तरीके से रखना होगा। ये देखिए ध्यान से देखें इस तरीके से, और जो बैंड पट्टी का जो अस्तर है यहाँ भी हम करीब 2 सूत एक्स्ट्रा निकालेंगे बाहर की ओर। जो काज वाली पट्टी है इससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की ओर रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें, यहाँ से यहाँ तक हमें एंड तक सिलाई लगाते हुए ले जाना है, जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई थी अभी ये वाली, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पैर की सिलाई लगाते हुए लाना है। दोस्तों ये भी चेक कर लें, हमने ये जो कट लगाया था इस पर ये कट, और ये हमने कुर्ते पर जो कट लगाया इसको एक बार चेक कर लें, ये आपस में मिलना चाहिए आगे पीछे ना हो। ठीक, जैसा कि देख सकते हैं कट हमारा मिल गया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से चेक करके देख लेंगे एक बार, कपड़ा छोटा बड़ा ना आता हो एक बार चेक जरूर कर लिया करें। इस तरीके से पकड़ कर देख लें दोस्तों, इस तरीके से ये देखिए दोस्तों सिलाई लग चुकी है, ये देखिए इस तरीके से। अभी हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं प्लॉकेट पट्टी यानी काज वाली पट्टी कैसे बनाई जाती है, और अगर ये जानना चाहते हैं कफ कैसे बनाए जाते हैं, कफ और चाक पट्टी कैसे बनती है, उन सारे वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने हर एक टॉपिक पर वीडियो बना रखा है। ये देखिए ये हमारी काज वाली पट्टी, ये सीधी साइड है और ये नीचे उल्टी साइड है। ठीक है, तो हम इसको कॉलो को इस तरीके से पलटेंगे इधर इधर की ओर। अब ये देखिए दोस्तों, अब एक चौक से आप निशान लगा लेंगे जहाँ से ये पेस्टिंग है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मोड़ेंगे और पेस्टिंग पर हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद एक निशान थोड़ा सा नीचे को लगाएंगे, करीब 1 सूत नीचे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने एक निशान, ये हमने पेस्टिंग बराबर से लगाया ये वाला, और एक निशान आड़े में लगाया ये देखिए पेस्टिंग की, पेस्टिंग से थोड़ा नीचे। अब ये देखिए यहाँ से हमको कपड़ा इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पेस्टिंग को, ये जो सिलाई दिख रही है नीचे वाली, इस पेस्टिंग को थोड़ा सा हम इधर की ओर रखेंगे, जहाँ जो हमारी काज वाली पट्टी है इसकी ओर थोड़ा बढ़ाकर रखेंगे। इस वाली साइड को, पेस्टिंग वाली साइड को हम थोड़ा सा बढ़ाकर रखेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई पक्का करके उतार देना है, यहाँ से बिल्कुल जड़ में सिलाई चलाएंगे पेस्टिंग की इस निशान के ऊपर। ये जो नीचे वाला निशान लगाया हमने, ये पेस्टिंग से थोड़ा नीचे उस सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये हमने सिलाई लगा ली है इसकी, थोड़ी पेस्टिंग से थोड़ी नीचे करके लगाई, जैसा कि देख सकते हैं ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा आएगी देखिए यहाँ से, और उधर उल्टी साइड से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए अभी मैं बाद में बताऊंगा उसके बाद क्या करना होगा आपको। अब इसी दूसरी साइड में भी इसी तरीके से कर लेते हैं आप। ये देखिए अभी हमारी बटन टेक वाली साइड आ गई, तो ये बटन टेक की सीधी साइड है और ये नीचे उल्टी साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी ये देखिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इस पर हम ये देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे, एक चौक से निशान लगा लेंगे इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद एक निशान थोड़ा सा पेस्टिंग से थोड़ा नीचे को लगाएंगे, तकरीबन 1 सूत ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें इस तरीके से रखना है, और ये पेस्टिंग के किनार थोड़ी सी आगे को ही होना चाहिए, यानी कि जो ये जो नीचे वाले ज्वाइंट दिख रहा है इस ज्वाइंट से थोड़ी सी आगे को पेस्टिंग होनी चाहिए दोनों ओर, आपको ध्यान रखना है चीज़ का। नीचे से सिलाई लगाते हुए लाएंगे ये आड़े वाले निशान तक, पक्का करके उतार देंगे। दोस्तों ये भी सिलाई लग चुकी है, इधर से भी देख सकते हैं आप, ये देखिए। अब दोस्तों ध्यान से देखें, ये देखिए एक सिलाई हमने ये लगाई थी, इसको हम पलटेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इसका भी कोना निकालेंगे, ये कैंची की नोक की मदद से हम कोना इस तरीके से इसका निकालेंगे। उसके बाद ये देखिए दोस्तों इस तरीके से ये वाले कोने को भी निकालेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, अब उसके बाद ये देख सकते हैं, अब ये कुर्ते की अंदर वाली यानी ये उल्टी साइड है, और कुर्ते की ये वाली सीधी साइड। ठीक है, ध्यान से देखें इस चीज़ को। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये देखें ध्यान से, बड़ी समझने वाली चीज़ें होती हैं ये। कॉलर कुछ लोग कहते हैं कॉलर हमारा एक साइड में भाग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखें इस तरीके से पलटेंगे कॉलर को, ये देखें सीधी साइड ऊपर रखेंगे कॉलर की। अब ये देखिए जो कंधी दिख रही है हमें, ये वाली कंधी वाली सिलाई, और ये देखिए दूसरी साइड वाली कंधी, ये आपस में मिलाएंगे इस तरीके से आगे पीछे करके देख लेंगे, और कॉलर को भी यहाँ से बिल्कुल बराबर रखेंगे, और कॉलर को ये देखिए यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, और ये सिलाई मिलाएंगे इस तरीके से। एक निशान ये लगाएंगे और एक निशान ये लगाएंगे, ये देखिए ये कंधी वाले हमने निशान लगा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए जो हमने निशान लगाए थे, अब इस तरीके से हमने इस निशान को इसी कंधी के सेंटर में रखना है, और यहाँ से हमको, यहाँ से यहाँ तक हमको अब यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। अगर आप यहाँ से लगाते हुए लाएंगे तो क्या होता है, जो न्यू बिगिनर्स होती हैं, ये बैंड पट्टी होती है आगे को भाग जाती है, यहाँ पर ठोंके पर आके इस तरीके से निकलती है इस तरीके से। तो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाते हैं यहाँ से, तो ये देखिए बैंड पट्टी आगे को आ जाती है और यहाँ से ठोंका निकल जाता है, सही नहीं बनता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जो हमने चौक से निशान लगाया है कंधी वाली साइड से,
मिलाकर अब हम यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरीके से यहाँ से किनार की सिलाई लगाते हुए अब हम यहाँ से बैंड पट्टी पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से फिर यहाँ से मोड़ते हुए लाएंगे जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पर आके पक्का करेंगे। ये बैंड पट्टी बाहर को आ रही है, बाहर को नहीं आने देंगे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर निशान मिलाएंगे देखें। और हम लब की सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ठोका बिल्कुल सेट आ गया अपने आप ही। ये देखिए मैंने छोड़ दिया इसको तो ऑटोमेटिक अपने आप ही सेट बैठ रहा है बिल्कुल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कैंची की नोक की मदद से छोटा पेचकस ले लें, ये अंदर वाला कपड़ा बाहर दिख रहा है तो आप इस तरीके से अंदर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सही कर सकते हैं इसको। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, हमको बिल्कुल छोटी सिलाई चलाना है बिल्कुल किनार की और मोड़ लेना है इस तरीके से, और मोड़ते टाइम सुई को नीचे ही रखना है बिल्कुल, ऊपर नहीं उठाना है। और ये सिलाई बैंड पट्टी पर लगानी है, ऊपर वाले कॉलर पर नहीं लगानी है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये बैंड पट्टी पर हम लब की सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल किनार की। उसके बाद फिर मोड़ लेना है हमें और ठोंके को सही करते हुए चलना है इस तरीके से। अब ये देखिए, ध्यान रखिए चीज़ का, ये जो कपड़ा है कुर्ते वाला, इसको हमें नीचे खींच कर रखना है इस तरीके से। ये देखिए जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में, इसी तरीके से कपड़े को नीचे खींच कर रखना है और जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं पर हमको एंड करना है, पक्का करके उतार देना है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, जो कॉलर पर सिलाई लगाई थी उसी के सेंटर से हमको मार्क लगा लेना है बैंड पट्टी पर। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए, अब हमें इसी चौक के निशान से सिलाई लगानी है बिल्कुल पैर की। बैंड पट्टी पर सिलाई लगा रहे हैं तो अभी जो बैंड पट्टी पर सिलाई लगाई थी उसके बराबर से हमने ये पैर की सिलाई और लगा देना है। तो इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों हमें। तो ये देखिए इस साइड, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये मैंने हाथ से एक कॉलर को मोड़ दिया है, वैसे ये कॉलर प्रेस की मदद से मोड़ा जाता है, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरीके से मोड़ कर दिखाया है। तो आप भी इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कॉलर फिट कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रेस से नहीं मोड़ा है, प्रेस के साथ मोड़ेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा ये कॉलर। तो यहाँ पर सारी प्रेस लगाने के बाद तब ये कॉलर बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो कैसे लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।